जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान, हौसलों को कर बुलंद पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में इच्छाएं तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को कम नहीं करेंगे तो हम संतुष्टता की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे भगवान को तो हम महसूस करेंगे कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी कम होती जाएंगी और हमारी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो भाई जी। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमारी पूरी सीरीज चल रही है स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर। हमने ये कई सारे तरीके ढूंढे जिससे हम स्लीप डिसऑर्डर से आगे बढ़कर एक सुखद जिंदगी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अब कौन सी ऐसी नेचुरल टेक्निक्स है जो हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, जिनको हमें इस एपिसोड में आगे लाने की जरूरत है? बिल्कुल, एक अच्छी चीज तो यह है कि जब व्यक्ति बिल्कुल थकता नहीं है तो सो नहीं पाता है। अच्छा, आज नींद क्यों है, कि कुदरत ने क्यों हमको नींद दी कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाएगा, फिर उसको भी फिर से रिज्यूवनेट होने की जरूरत है, तो इसलिए हमको नींद दी है। करेक्ट। कि अगर आप बिल्कुल थके नहीं, कुछ लोग ऐसे कुछ करते ही नहीं है ना, जैसे रिटायर्ड लोग है और भी कहीं है तो भी उनको नींद नहीं आएगी। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना, इतना प्रेशर होता है, इतनी भागा दौड़ी हुई कि आपको लगता है एग्जॉस्ट हो गए, तब फिर रेस्टलेस होंगे, तभी भी नींद नहीं आएगी। एक है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, स्लीप के कई सिंड्रोम से वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो फिर लेग्स उनके रेस्टलेस होते, हिलते रहते हैं ना, तो भी उनको नींद नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा तो है कि भी मॉडरेटली थको। करेक्ट। फिर खाना भी हैवी नहीं खाओ, रात का खाना है वो हैवी लेंगे तो भी अच्छा नहीं। Correct. ऐसा भी कि जो ज्यादा गैस करता है, जैसे हैवी प्रोटीन, प्रोटीन गैस करता है, तो डिनर में आपने हैवी प्रोटीन ले लिया तो भी फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगा। ओके। तो एक्चुअली कहते हैं कि उसमें थोड़ा अच्छी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, इसकी भी हम चर्चा कर सकते, व्हाट कैन बी द फूड। करेक्ट। लेकिन वो प्रॉपर ऐसा फूड हो कि जो भी आपको मदद करेगा जी। ना, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा गैप छोड़ेंगे तो वह भी हेल्प करेगा। और एक टेक्निक है कि सोने से पहले हाथ पैर पर गरम गरम पानी डालो। अच्छा। गरम ठंडा भी करो तो और भी अच्छा है। अच्छा। भी ठंडा है वो टॉक्सिन्स को फ्री करता है, है ना, गरम है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छा। तो अगर ऑल्टरनेट कर सको तो भी अच्छा है। तो आजकल तो आप देख रहे ना कि वो ठंडे पानी के लिए फ्रिज में आपको रख देना है, ऐसी जेल होती है उसमें, वो ठंडा हो जाता है ना, तो वो ठंडा सपोज थोड़ा सा आपने किया, फिर गरम पानी डाला या गरम कोई रीते से किया, तो भी नींद, अच्छी नींद आने में आपको हेल्पफुल होगा। एक और जो एक सिंपल सी टेक्निक आपको बताता हूँ, ये ना जो सचमुच हेल्प करती है ना, इस पर काफी अनुसंधान भी हुए है जी। कि जिसमें क्या करना है कि एक पिक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करो कि एक पेपर है ना, उसमें आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल पे आपने क्रॉस किया और फिर वो क्रॉस में से वो क्रॉस को हटा दिया, एक छोटा सर्कल किया, फिर वो सर्कल में लिखा 100। ये सब विजुअल इमेजिन कर रहे हो आप। आप तो सोए हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि भी मैंने वो 100 लिखा, फिर 100 को निकाला, 99 लिखा, फिर नीचे लिखो डीप स्लीप, नहीं गहरी नींद। ओके। फिर 99 को रब कर दो, फिर लिखो 98 गहरी नींद, है ना, फिर 98 को रब कर दो,
97 गहरी नींद, आप करके देखना, आप 90 तक पहुंचेंगे सो जाएंगे सर। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। कोई 80 तक पहुंच सकता है, हो सकता है कि कोई कहे कि मैं तो एक तक पहुंच गया फिर भी नींद नहीं आई, तो आपको रेस्ट तो मिलेगी। ओके, है ना, इम्पोर्टेंट इज रेस्ट। करेक्ट, ये बात बार 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 मैं सेमिनार में बताता हूँ कि नींद के बारे में नहीं सोचो, नहीं नेचुरल है, आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। ओके, है ना, एक्चुअली उस समय आपको आराम चाहिए जी। तो बस आराम, इससे आपको आराम मिल गया तो भी इनफ है। और क्योंकि सारी टेक्निक में ना आप डिटैच होते, क्योंकि उसी में इन्वॉल्व होना है कि मुझे सर्कल से 99 को रब करना है, 98 लिखना है, गहरी नींद लिखना है, तो आप उसी में फोकस है ना, और डाउन 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 जाते हैं तो ऑटोमेटिक गहरी नींद आ जाती है। ये टेक्निक और भी एक देखो, इसमें अच्छा बताता हूँ, दर्शक भाई बहनों को बहुत मदद मिलेगी कि कई बार दिन में हम अच्छे से सो नहीं पाते ना, कहीं हमारे लिए भी होता है कि भी हमारा सेमिनार चल रहा है, भी 3 घंटा किया, फिर से हाफ एन आवर की ब्रेक है, फिर से 3 घंटा सेमिनार कंडक्ट करना, तो तब मैंने ये देखा कि बहुत हेल्प करता है। ओके, ना कि तब एक मैं बताऊंगा, एक पोजीशन में लेटना है, वो पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है, और फिर मैं लिखता हूँ ऐसे कि 100 रिलैक्सेशन, है ना, 99 डीप रिलैक्सेशन, 98 डीप रिलैक्सेशन, तो बस वो थोड़ा 80 तक भी पहुंचते तो यू आर रियली रिलैक्स्ड, नींद नहीं भी आई तो आफ्टरनून का आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन 80 तक पहुंचते हो फ्रेश हो गया, अभी फ्रेश होके फिर से हम सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। क्या हम इस थेरेपी के थ्रू अपने दिमाग को ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि हमें रिलैक्स होना है? हाँ, बस वही कि भी डीप रिलैक्सेशन है, ईच टाइम यू डू इट इज डीपर रिलैक्सेशन। ओके, इवन ए टेक्निक में कई ने तो ऐसा भी कहा कि पहले से अपने आप को बोल दो, आप ये प्रोसेस स्टार्ट करो, समझो ऐसा हो सकता है कि 20 to 0 आप शुरू करने से पहले ये कहो कि ऐसे मैं 20 to 0 करने वाला हूँ और 0 तक पहुंचूंगा, आई विल बी इन अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, आई विल बी फुल्ली रिजुविनेटेड, एंड 4-5 मिनट्स में आप 0 तक पहुंचे सचमुच रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, फिर तो कहते हैं आप कम कर सकते कि भी 15 से 0 करूंगा मैं डीप रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर से भी 10 to 0 करूंगा मैं डीप रिलैक्स हो जाऊंगा, 5 to 0, अल्टीमेटली इवन यू कैन मेक इट 3 to 0, बस इतने देर में 1 मिनट भी नहीं लगेगी, यू आर रियली रिजुविनेटेड। ओके, क्योंकि आपका ना वो आत्मा कंडीशनड होगी, करते 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 आत्मा कंडीशन होगी। करेक्ट, और बस मुख्य बात तो यही है कि नींद के बारे में नहीं सोचो। ओके, है ना, रिलैक्सेशन के बारे में सोचो। हाँ, नींद नेचुरल है कि मुझे रेस्ट चाहिए, और ये भी कहेंगे कि नींद नहीं आ रही है तो बेड में नहीं जाओ, कि मॉडरेटली थक जाओ, फिर भी बाय चांस चलो कुछ हुआ और 10 बजे आपको नींद नहीं आ रही है तो डोंट गो टू बेड, डू समथिंग एक्टिव, लैपटॉप आदि नहीं परंतु नहीं ऐसी कुछ कि क्रिएटिव बुक पढ़ो और कुछ ऐसा करो कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, बट यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। करेक्ट, हो सकता है कि आपको 11:30 बजे नींद आने लगे। करेक्ट, तो नो स्लीप एट दैट टाइम। इवन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कहते भी क्रॉनिक इंसोमनिया कहा गया कि उनको नींद आती ही नहीं है। करेक्ट, है ना, कहीं तो सोच सोच के डिस्टर्ब हो, कितने डिप्रेस्ड हो गए लोग, इन्हें सुसाइड भी कर ले कि मुझे नींद नहीं आती। और ऐसे भी लोग है कि जिन्होंने देखा कि भी नींद से नहीं आ रही तो लेट मुझे कुछ अच्छा करने दो। एक एडवोकेट थे, वो अपने केस प्रिपेयर करते थे। ओके, हाँ, कि मैं लेट था केस, तो उल्टा उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे लिए वरदान हो गया, नींद नहीं आना मेरे लिए वरदान हो गया कि मैं अच्छा सा होमवर्क करके जाता था। पर उसके साइड इफेक्ट्स तो साइड इफेक्ट होगे, लेकिन इन केस कि भी ऐसा हो तो रेस्ट चाहिए आपको भी कुछ समय के बाद, एकदम पूरा नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 की बात हम करते हैं कि भी नहीं आ रही है, 10:30, 11, 11:30, फिर चाहे तो आप सोचो कि अभी मुझे बस रेस्ट करनी है, नहीं मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए। करेक्ट, है ना, बार बार को तो नींद आ जाएगी,
अभी भी मेरे एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने कहा कि भी पहले दिन डॉक्टर ने बताया तो लगा कि ये तो फालतू है, क्या होगा, लेकिन आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने आप को बोला नींद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए, है ना, मैं आराम में हूँ, मुझे आराम चाहिए। तुझे कहा नींद कब आ गई मालूम नहीं है। ये एकदम सही कहा आपने कि नींद के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही नींद आपसे दूर जाएगी। अगर आपको आराम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कब नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और आसपास में शोर है तो भी उसके बारे में नहीं सोचो, भी टीवी बज रहा है, बच्चे बातें कर रहे हैं, तो आप तो ये सोचो कि मैं आराम में हूँ, आई एम कंफर्टेबल, है ना। एक पोस्चर भी है, हम स्क्रीन में भी दिखाएंगे कि जैसे पोस्चर है कि भी आप लेटती हो, और कोई भी साइड, जैसे भी लोग कहते हैं राइट लेफ्ट, लेकिन साइंटिफिकली कुछ ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, परंतु साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि बॉडी को पूरा एक डेड बॉडी की तरह रखो, शवासन में, शवासन लगा है ऐसे है, इसमें तो मेरे एक साइड में कि भी एक पैर सीधा हो, दूसरे पैर को थोड़ा मोड़ लो, और हाथों के भी ऐसे रखो कि जैसे कि डेड बॉडी की तरह, भाई वो मैं उठा ही नहीं रहा हूँ, उसमें जान है ही नहीं, और बस ऐसे एकदम रिलैक्स होकर के लेटे रहो, और ये बात कि बस मुझे आराम चाहिए, अभी भी मुझे आराम मिल रहा है क्योंकि मैं अपनी बॉडी को होल्ड ही नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट ना, तो एक प्रोसेस में थोड़े समय में अच्छे से नींद आ जाएगी। वाओ, ये बहुत अच्छी टेक्निक आज आपने हमें बताई है। डॉक्टर साहब, खान पान की अगर बात करें, कौन सा ऐसा खाना है जिसे खाने से नींद को डिस्टर्बेंस होती है? अगर हम खाने से पहले अगर ऐसा कुछ सेवन करें खाने का, या फिर ओवर ईटिंग, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रात को सोने से पहले अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो भी नींद नहीं आती है? हाँ, नहीं, थोड़ा हमने डिस्कस किया, हम रिकैप भी कर सकते हैं कि भी हैवी मील्स उससे नींद नहीं आएगी। अच्छा, है ना, चाय कॉफी जो है, करेक्ट, हाँ, तो वो भी नींद को डिस्टर्ब करेगा। ज्यादा शुगरी फूड, करेक्ट, एक बार शायद आपको अच्छा लगेगा कि भी अभी मुझे नींद आ रही है, परंतु फिर आपको जगा देगा इरेगुलर स्लीप, नहीं, या तो क्योंकि शुगर डाउन होगी, हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि शुगर एकदम डाउन हो जाएगी तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा शुगर को बढ़ाने के लिए, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आप जाग जाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा फूड लो कि जो एक सस्टेन एनर्जी देता रहे, गैस करने वाला भी नहीं, एक्सेस प्रोटीन भी नहीं, करेक्ट। और कुछ रिसर्च हुई है, ऐसे तो बहुत सारी बातें आपको बहुत लोग अलग अलग कहेंगे, और सब चीजें भी काम कर सकती है, परंतु एक जो रिसर्च हुई है कि दो मिनरल्स, एक तो कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, दोनों स्लीप को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ओके, है ना। तो जैसे कि दूध पीने की जो है ना, सोने से पहले गर्म दूध पी के लोग सोते थे क्योंकि उसमें कैल्शियम है, करेक्ट, है ना, ऐसे जिसमें मैग्नीशियम है, ऐसी चीजें भी कई वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, कद्दू की सब्जी होती है ना, जी जी, हाँ, कद्दू में बहुत मैग्नीशियम है, इस टेबलेट फॉर्म में भी कोई ले सकता है, क्योंकि ये सब कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो एक्चुअली सप्लीमेंट है, वो मेडिसिन नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इस प्रकार से सप्लीमेंट्स लो तो भी अच्छी नींद आएगी। और एक भी नेचुरल चीज जिसको कहा 5-HT, सीरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो 5-HT उससे पहले किस स्टेज है, हाँ, तो वह भी हेल्पफुल हो सकता है ना, और अवेलेबल है एक सप्लीमेंट्स के रूप में, वह अवेलेबल है, तो वह भी एक नेचुरल स्लीप के लिए आपको कुछ हद तक मदद रूप हो सकता है ना। मेलाटोनिन वह केमिकल है, मेलाटोनिन, तो, हाँ, तो 5-HT भी मेलाटोनिन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है, तो ऐसी कुछ नेचुरल जो चीजें हैं वह भी हेल्पफुल करेगी कि व्यक्ति को अच्छी सी नींद आ जाए। दिस इज सो ब्यूटिफुल डॉक्टर साहब, अगर हम इन सब चीजों का सेवन करें तो ऑटोमेटिकली हमारी नींद बहुत ज्यादा गहरी आने लगेगी, नेचुरल आएंगी। कोई ऐसे हर्ब्स भी है जिनकी वजह से नींद सही तरह से हमें आएगी? बहुत सारे है एक्चुअली, है ना, जिस पर प्रयोग भी हुए है, जैसे ब्राह्मी के लिए कहते है ना, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये भी कई चाइनीज हर्ब्स भी बताते, अच्छा, हाँ, कि दे इवन कैन इंड्यूस स्लीप, तो इट्स ओके बिकॉज़ नो दे आर नेचुरल थिंग्स, करेक्ट, हाँ, और कुछ हद तक मदद करता है,
तो हर्ब्स का भी थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं, कोशिश तो नेचुरल करो। करेक्ट, क्योंकि हर्ब्स में भी फिर अल्टीमेटली क्या है कि हर्ब्स को पता नहीं कि आपको कितना चाहिए। ऑल्दो इट इज नेचुरल, ये तो बात ठीक है कि भी मेडिसिन्स लो पर कंसिस्टेंसी पता नहीं चलती उसकी। हाँ, तो कभी कभी मैंने भी देखा है कि भी हम थोड़ा ज्यादा ही सोल जाते हैं, तो नेचुरल हो तो अच्छा है, लेकिन जिनको दिक्कत है जी जी, तो फिर वो हर्ब्स का भी से पहले तो मिनरल्स जो का मैग्नीशियम कैल्शियम ये चीजें हेल्पफुल होती है, और फिर नहीं तो कुछ हर्ब्स का भी सेवन कर सकते हैं। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कंसिस्टेंसी पहले, क्या हम डॉक्टर को भी पूछ सकते हैं कि इतना ही मात्रा में अगर हमें हर्ब्स लेना है? डॉक्टर से भी डिसाइड नहीं कर सकता है। अच्छा, क्योंकि नहीं एग्जैक्ट आपको कितना चाहिए है ना, 10 मिलीग्राम चाहिए, 15 मिलीग्राम चाहिए, अल्टीमेटली आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये खुद के ही तरीके से सेल्फ डॉक्टर बन करके हमें करना पड़ेगा, मतलब नेचुरल टेक्निक्स आर बेस्ट। करेक्ट, क्योंकि ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। करेक्ट, इनफैक्ट तो आज देखो तो ये विडंबना है नो, इट्स क्या कहेंगे कि मॉडर्न एज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि भी आपको नींद नहीं आती। करेक्ट, इट्स अ नेचुरल थिंग कि जो नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर हम देखेंगे तो जिंदगी में हमें इतना कुछ करना होता है। जो सबसे ज्यादा फोकस्ड लोग होते हैं उनको भी मैंने नोटिस किया है कि उन्हें नींद कम आती है, क्योंकि अपनी मंजिल की ओर उनको आगे बढ़ने में इतनी तेजी की ओर बढ़ते हैं वो, कि एक्साइटमेंट में कई बार प्रेशर में और कई बार स्ट्रेस में उनको नींद नहीं आती है। लेकिन वो अच्छा नींद है। करेक्ट, हमें तो डिटैच होना चाहिए। प्रैक्टिस तो तभी तो आप सफल हुए ना। करेक्ट, आज फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जो कहते हैं उनके इंटरव्यूज में कि हमको नींद नहीं आती है। करेक्ट है ना, तो कहेंगे कि भी आप सफल तो बहुत हुए परंतु अपने आप को डिटैच करना आपने नहीं सीखा। तो अपने आप को डिटैच भी करना है, तब तो बैलेंस होकर के आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, अन्यथा ना और प्रॉब्लम्स आएंगे, जो आजकल अर्ली हार्ट अटैक्स आ रहे हैं कहीं, ये भी कारण है, और भी कारण है बहुत सारे, लेकिन ये भी कारण है कि उनको बैलेंस्ड साउंड स्लीप जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। करेक्ट, सो दैट्स व्हाई नेचुरल इज बेस्ट। करेक्ट, सेकंड कैन बी जो और सप्लीमेंट्स है। करेक्ट, एंड थर्ड कैन बी हर्ब्स इवन। करेक्ट, हर्ब्स के थ्रू भी हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं, मतलब को थोड़ा लेने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल, जो मेडिसिंस है अभी ने एक बहुत स्लीपिंग पिल्स की बात कर रहे हैं, अभी जो बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि भी स्लीपिंग पिल्स ली जाए। करेक्ट, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भाई जो सभी साइकेट्रिक मेडिसिन है वो स्लीपिंग पिल्स नहीं है। अच्छा, है ना, जो भी हम दवा देते हैं ना, पेशेंट तो ही कहता आपने नींद की दवा दी थी ना, ऐसा हुआ। वो सभी नींद की दवाइयां नहीं है। ओके, वो दवाई में नींद है, ऐसे कि जैसे कफ सिरप में नींद होती है ना, भी आजकल तो अच्छी अच्छी दवाई आ गई, लेकिन पहले जो कॉमन कोल्ड के लिए दवाई लेते थे, मैं छोटा था तब मैं लेता था तो 12 घंटा सो जाते थे। अच्छा, तब ये नई दवाइयां नहीं थी ना, तो उसमें खूब नींद होती थी। एक्चुअली वो दवाई तो है कि भी कॉमन कोल्ड है उसको कम करने के लिए थी। तो ऐसे ही जो ये मेडिसिंस है साइकियाट्री की, उसमें वह दवाइयां तो अलग पर्पस के लिए, जैसे कुछ दवाइयां एंटी डिप्रेशेंट है, एंटी एंग्जाइटी के लिए है, कुछ स्टेबिलाइजर्स है, कुछ जो मूड डिसऑर्डर्स है या तो थॉट डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, उनको ठीक करने के लिए है, लेकिन उन दवाइयों में नींद है, मतलब वो नींद की प्रॉपर्टी है, वो नींद की दवाइयां नहीं है। कुछ दवाइयां है, कुछ ऐसी दवाइयां जरूर है कि जो नींद की दवाइयां भी है सचमुच, और नींद के लिए ही दी जाती है। करेक्ट, तो अभी करोड़ रुपए का सवाल है कि ये दवाइयां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। Correct. है ना, उसमें सबसे पहले तो कुछ दवाइयां ऐसी है ना, जोल्पिडेम करके एक है कि जिसकी आदत नहीं लगती है। ओके, अब ले सकते हैं फ्रेश रूट्स, फिर भी कम से कम लो, अल्टीमेटली वो मेडिसिन है, तो भी कभी कभार अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो इतना हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, वो हैंगओवर भी नहीं है उसमें, दवाई को तो मालूम नहीं कि कहाँ स्टॉप करना है, तो दूसरे दिन भी नींद आएगी। करेक्ट, फिर भी जो दूसरा एक पूरा ग्रुप है बेंजोडाइजेपिन्स ना, कि जो आमतौर पर लोग नींद की दवाइयां बोलते हैं, तो वो थोड़ा समय ले सकते हैं,
जी, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग है, तो दवाइयां लंबा समय नहीं लेनी है। अगर जरूरत है एकदम शॉर्ट वाइल ली गई तो कोई हर्जा नहीं, और अच्छा डॉक्टर नहीं भी देगा। करेक्ट है ना, अच्छे साइकेट्रिस्ट को पता होता है कि हैबिट फॉर्मिंग है, तो वो आपको एक दो सप्ताह के लिए ही देगा, वो कम से कम मात्रा में लो, अचानक बंद नहीं करो। एक तो लंबा लो नहीं, समझो आपने 8 दिन ली, फिर स्लोली कम करते करते और 8-10 दिन में बंद कर दो, ताकि उसकी आदत नहीं पड़े। करेक्ट, परंतु जब जरूरत है तो वो बहुत बड़ा वरदान भी कर सकता है ना। और अभी ये पता होता है कि भी प्रेग्नेंट जो लेडीज है उनको ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। बेंजोडाइजेपिन्स कैन कॉज हार्म टू द फीटस, और कुछ कुछ ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं लेनी है, उसमें एक ना एनालिसिस करना है जी। भी कुछ तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्यों नोन है कि दे आर हार्मफुल। कुछ दवाइयां हैं कि जिसमें भी 100% गारंटी नहीं दे सकते जी, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मोर देन 95% दे आर सेफ। तो जरूरत है तो वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दे सकते। एकदम सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि सही मात्रा में मेडिकेशन लेना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेना, इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है। और बढ़ाते नहीं जाने का, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि व्यक्ति को अच्छा लगता है, जैसे ना एल्प्रेक्स बहुत लोग जानते हैं, करेक्ट, कि भी उन्होंने एक ली अच्छा लगा, फिर दो ली, तीन ली, मेरे पेशेंट है 10-10 एल्प्रेक्स ले रहे हैं। अरे ऊपर आएंगे कि डॉक्टर लिख के दो, क्योंकि केमिस्ट नहीं दे रहा है मैंने, और उन्होंने अपने आप ली, मतलब यानी एक सेल्फ मेडिकेशन है। करेक्ट, वो सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत बुरा है। ओके, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट इज हैबिट फॉर्मिंग। बिल्कुल, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ले। और सारा क्लेरिफिकेशन कर लो, बिल्कुल, जो आपके मन के प्रश्न है ना वो प्रश्नों को ठीक से क्लेरिफाई कर लो आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हम बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो रात को सो ही नहीं सकते। अगर हम बात करें ऐसे शिफ्ट वर्कर्स की, परफेक्ट, या जिनके अंदर में ये प्रॉब्लम है कि या तो उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, डे शिफ्ट, या फिर उनको डे शिफ्ट में काम करना पड़ता है, वो भी उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ समय के लिए डे शिफ्ट में होते हैं, फिर कुछ समय के लिए नाइट शिफ्ट में होते हैं। ऐसे में उनका जो साइकिल है वो सेट नहीं हो पाता बॉडी का, बिल्कुल, और जिसकी वजह से वो बीमार जल्दी होते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो एक्सीडेंट भी ज्यादा करते हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? अभी अगेन बिन ये मॉडर्नाइजेशन की एक देन है, कहेंगे कि वो दिक्कत तो पहले तो हम समझ ले कि एक बार सपोज नाइट शिफ्ट है, फिर आपकी डे शिफ्ट हुई, 10 दिन के अंदर डे शिफ्ट है, 10 दिन में नाइट, आपको जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना उसको सेट करने में टाइम लगेगा। करेक्ट, तो और जब तक वो सेट होगी आपकी शिफ्ट चेंज होगी। करेक्ट, समझो 15 दिन में चेंज हो रही है तो उसको 5-6 दिन तो लगेगा उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में, है ना। तो ये तो सचमुच, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसमें, जैसे मैंने कहा कि उनको अच्छी नींद नहीं आएगी, फिर अभी नहीं अच्छी नींद न आने के कारण और जो सब डिजीज कहे वो होंगे, इवन मोटापा होगा क्योंकि फिर खाते रहेंगे लोग। करेक्ट, और जो है एक्सीडेंट की बात मैंने कही कि ना फिर वो ड्राइव करते हैं, ठीक से डिसीशन नहीं ले पाते हैं जी, है ना। जैसे भी जो डॉक्टर्स ऐसे शिफ्ट पे होते हैं ना, तो दे कांट डिसाइड क्विकली। तो बेस्ट ये है, अभी कहां तक पॉसिबल है, एक्चुअली हर एक एम्प्लॉयर को ये ट्राई करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोशिश की जाए ना तो हो सकता है। मेरे एक पत्रकार मित्र थे जी, तो उनको तो उन्होंने ना वॉलंटियरली कहा कि मुझे नाइट शिफ्ट ही दो। उनका अपना रीजन था कि वो दिन में भी कुछ करना चाहते थे। अच्छा, है ना, तो उन्होंने परमानेंट नाइट शिफ्ट ले ली थी। तो अगर एक व्यक्ति हमेशा नाइट शिफ्ट ले रहा है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट, उसकी जो रिधम है वो सेट हो जाएगी जी। ये बात राइट है कि फिर वो काम करने के लिए उसको, लेकिन वो हॉलीडेज तो होंगे ना। बिल्कुल, हाँ, तो वो डे टाइम में सपोज उसने अपना फिर सेट बनाया कि मैं इसे 7-7.5 घंटा सोता हूँ, फिर यह करता हूँ जी, तो उस अनुसार फिर उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी
कि सोने से पहले का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस वक्त हमारे जो संकल्प चल रहे होते हैं उसका प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है। तो अगर हम सोच समझकर पॉजिटिव थॉट्स के साथ में सोने को जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एक पीसफुल नींद मिलेगी और फिर हम एकदम फ्रेश उठेंगे। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें जानी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सोने से पहले का समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस समय जो हमारे संकल्प चल रहे होते हैं उसका प्रभाव हमारी आने वाली नींद पर होता है। सोने से पहले अगर आप गर्म और ठंडे पानी की थेरेपी के द्वारा अपने हाथ और पैर को रब करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमें एक साउंड स्लीप की तरफ आगे बढ़ना है तो अपने टाइम टेबल को सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज को भी सेट करें और अपनी पूरी दिनचर्या को ऐसे बनाएं जिससे आप एंड ऑफ द डे टायर्ड भी हो जाए और फिर उस टायर्ड बिहेवियर के साथ में अगर आप बेड पे जाकर के सोएंगे तो अगले दिन आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आप एकदम फ्रेश उठेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।